बच्चों, ये जो आपको इतनी बड़ी किताब दे रखी है ना, ये क्यों दे रखी है पता है? जिससे आप आसानी से पढ़ना सीख जाओ। आपको आपकी मैडम ने, लवली मैडम ने आपको मात्राओं का ज्ञान करा दिया। मात्राओं के ज्ञान के साथ में आप बच्चों को अब क्या करना है, एक बढ़िया सी कहानी है जिस कहानी का नाम है चिड़िया। आप देख रहे हो इस जो किताब है, ये जो बुक है, इसमें आप देख रहे हो कि क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। पहले चित्र में एक बिल्ली दिखाई पड़ रही है और क्या दिखाई पड़ रहा है, चिड़िया दिखाई पड़ रही है। तो इस कहानी का क्या नाम है बच्चों? चिड़िया। क्या नाम है? चिड़िया। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? अब आप चित्र देखोगे, चित्र देख करके मुझे बताओगे कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई पहले पड़ रहा है। अब आप देखो इस वाले, इस ये जो पेज है, इस पेज में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है चित्र में? चिड़िया। एक चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? बिल्ली। ये क्या है? ये चिड़िया कहाँ बैठी हुई है? जमीन पर। नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है? तालाब। तालाब दिखाई पड़ रहा है। तालाब में क्या होता है बच्चों? पानी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक चिड़िया तालाब में पानी पीने गई। एक चिड़िया तालाब में पानी पीने गई। अब आप चित्र देख करके समझ गए कि तालाब के किनारे चिड़िया बैठी हुई है और चिड़िया क्या करने गई है? तालाब में से पानी पीने गई है, ठीक है? अब आप देखो दूसरे पेज में क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें? अब चिड़िया क्या हुआ, पानी पीने तो गई लेकिन तालाब में पानी बहुत था। अब चिड़िया तालाब में गिर गई। आप देख रहे हो चिड़िया डूब रही है ना, पानी में डूब रही है ना तालाब में। तो इसका मतलब पानी पीते समय वह तालाब में गिर गई। क्या हुआ चिड़िया के साथ? गिर गई। अच्छा ये बताओ, पहले चिड़िया कहाँ गई थी? तालाब में। तालाब में क्या करने गई थी? पानी पीने गई थी। फिर क्या हुआ, पानी पीते पीते क्या हुआ? गिर गई। कहाँ गिर गई? तालाब में गिर गई। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब देखो तीसरे पेज में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? बिल्ली दिखाई पड़ रही है। और क्या दिखाई पड़ रहा है? तालाब और चिड़िया दिखाई पड़ रही है। बहुत बढ़िया। देखो ये बच्ची बहुत अच्छा जवाब दे रही है। क्या नाम है आपका? अच्छा, हेमलता, ठीक है। अब क्या हुआ, आप देखो, तभी वहां एक बिल्ली आई। कौन आया? बिल्ली आई है ना। अब क्या हुआ, इस वाले में पन्ने पे देखो क्या दिखाई पड़ रहा है चित्र में? तालाब, बिल्ली, चिड़िया। और बिल्ली क्या है, देख रही है। किसकी तरफ देख रही है? चिड़िया की तरफ देख रही है। तो चिड़िया ने क्या किया, बिल्ली से मदद मांगी। क्या किया? बिल्ली से मदद मांगी। बिल्ली ने क्या कहा? बिल्ली ने कहा, ठीक है मगर मैं तुम्हें खाऊंगी। किसने कहा? बिल्ली ने। तुम लोगों ने गांव में देखा होगा कि चिड़िया को बिल्ली जो है वो खा जाती है ना, खा जाती ना, क्योंकि बिल्ली क्या है, मांसाहारी होती है। इसलिए अब बिल्ली ने क्या कहा, बिल्ली ने चिड़िया से क्या कहा, मैं तुम्हें खाऊंगी। अब देखो आगे, अब इस पन्ने पर क्या दिखाई पड़ रहा है चित्र में? चिड़िया, बिल्ली, तालाब। और बिल्ली कहाँ दिखाई पड़ रही है? तालाब में। और क्या दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है बताओ? मछली है। ये क्या है बच्चों? मेंढक है। अब देखो चिड़िया ने कहा, हाँ खा लेना। किससे कहा? बिल्ली से कहा। बिल्ली से क्या कहा? खा लेना, ठीक है। यह सुनकर बिल्ली ने चिड़िया को तालाब से बाहर निकाल लिया। क्या कहा?
पहले बिल्ली, पहले चिड़िया ने बिल्ली से कहा कि आप मुझे खा लेना। इतना सुनते ही बिल्ली ने चिड़िया को तालाब से बाहर निकाल लिया। अब देखो, अब क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें इस वाले चित्र में? बिल्ली और चिड़िया आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, बिल्ली बोली अब खा लूं। किससे बोली बिल्ली? क्या बोली? अब खा लूं। अब देखो आगे क्या होता है। इस चित्र में क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? बिल्ली और चिड़िया। अब चिड़िया ने कहा मुझे सूख जाने दो फिर खा लेना, क्योंकि तालाब में गिरने से चिड़िया जो है वो गीली हो गई थी और उसके पंख भी गीले हो गए थे। तो चिड़िया ने बिल्ली से क्या कहा कि अब मुझे सूख जाने दो तब खा लेना। अब बिल्ली ने ठीक है, अब बिल्ली ने क्या किया, इस चित्र में क्या दिखाई पड़ रहा है? बिल्ली सो रही है। और अब बिल्ली ने क्या किया, इंतजार किया। बिल्ली इंतजार करते करते सो गई। क्या हुआ? सो गई। और चिड़िया जो है, चिड़िया सूख करके उसके पंख सूख गए। और अब क्या हुआ, आप देखो क्या हो रहा है इसमें, इस वाले पेज में चिड़िया उड़ गई और बिल्ली सोती हुई रह गई। तो यहीं पर कहानी में चिड़िया सूख करके फुर से उड़ गई और बिल्ली सोती रह गई। इसका मतलब जो सोता है वो खोता है, और बिल्ली सोती रह गई और चिड़िया उड़ गई। ठीक है बच्चों, कहानी बहुत अच्छी लगी नहीं लगी? बताओ समझ में आई आपको? चलो एक बार ताली बजाओ एक बार बढ़िया से। किस किस को अच्छी लगी? सबको अच्छी लगी? ठीक है, ओके।